पंजाब में सत्ता संभालने के बाद आम आदमी पार्टी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और पंजाब में घर घर जाकर राशन की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की जाने की घोषणा की गई है, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार की तारीफ की और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। देखिए रिपोर्ट। पंजाब में दिल्ली मॉडल, भगवंत मान का एक और बड़ा ऐलान, पंजाब में डोर टू डोर राशन डिलीवरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को फिर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी राशन की डोर टू डोर डिलीवरी का ऐलान किया है, यानी अब सरकार घर घर में राशन की डिलीवरी कराएगी। भगवंत मान ने कहा है कि सरकार ने फैसला किया है कि राशन की घर घर डिलीवरी कराई जाएगी। हालांकि ये योजना विकल्प के तौर पर रहेगी, हमारे अफसर फोन करके डिलीवरी का समय पूछेंगे, उसी समय राशन की डिलीवरी कराई जाएगी। आज मैं तो सामने ये गल कह आया कि थोड़ी तो अपनी चुनी हुई सरकार आम आदमी पार्टी सरकार ने फैसला किया है कि असी हूँ थोड़े घर तक राशन पहुँचावे, डोर स्टैप डिलीवरी ऑफ राशन, यानी कि घर तक राशन पहुँचाने की स्कीम शुरू कर जा रहे हैं। वधिया साफ बोरिया च साफ खाण योग आटा जा कणक जा दाल वो तुहाडे घरे पहुँच जूगी और तुहानू दिहाड़ी छड्डण की लोड़ नहीं पैनी, तुहानू किसी लाइन च लगन की लोड़ नहीं पैनी। हाँ, साडे अफसर ये भी पुछणगे तुहानू फोन करके कि तुसी घर आओ, किन्ने वजे घर आओ, तो तुहानू उन्ने वजे तुहाडे हिस्से का बनदा राशन मिल जू। पंजाब सरकार के ऐलान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने इसे दिल्ली में लागू करने से रोका था, दिल्ली में नहीं लागू करने दिया गया, कोई बात नहीं, पंजाब में लागू करेंगे, पंजाब में लागू होगा तो सारा देश देखेगा। भगवंत मान जी ने ऐलान किया है कि पंजाब में गरीबों का राशन उनके घर घर तक पहुँचाया जाएगा, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, घर घर राशन योजना। अभी आज़ादी के 75 साल बाद भी एक गरीब आदमी को अपना गेहूं चावल महीने का जो राशन होता है जो सरकार देती है वो राशन लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती है, ढेरों तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। आज ज़माना ये आ गया कि एक फ़ोन करो और फ़ोन के ऊपर ऑर्डर करो और पिज़्ज़ा आपके घर आ जाता है, सारा सामान आपके घर आ जाता है, लेकिन राशन लेने के लिए गरीब आदमी को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। पंजाब के गरीबों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, तो मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं समझता हूँ ये जल्दी लागू होगा, आज ऐलान किया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जिस आइडिया का समय आ चुका है उसको कोई नहीं रोक सकता, अच्छाई को कोई ताकत नहीं रोक सकती है, फिर उसके पीछे कुदरत लग जाती है। अब इसका समय आ चुका है तो ये योजना लागू की गई है। जिस आइडिया का समय आ चुका है उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती, फिर उसके पीछे कुदरत लग जाती है। अब इसका आइडिया आ चुका है, इसका समय आ चुका है, तो ये तो लागू होगा। दिल्ली में नहीं लागू करने दिया, कोई बात नहीं, पंजाब में लागू करेंगे, पंजाब में लागू होगा, सारा देश देखेगा, सारे देश के लोग इसकी मांग करेंगे, पूरे देश में लागू होगा। जैसे आज मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बने, पूरे देश में बन रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जिस तरह मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बने उसके बाद पूरे देश में बनेंगे, दिल्ली में जो चीजें लागू हो रही हैं वो पूरे देश में लागू हो रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने सबने देखा कि किस तरह से दिल्ली के लोगों के कामों को रोका गया, किस तरह से हम मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते थे, मोहल्ला क्लिनिक को 2 साल तक रोका, लेकिन फिर बनाए हम लोगों ने। सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली में लगाना चाहते थे, उनको 3 साल तक फाइल रोक दी केंद्र ने। स्कूल बनाना चाहते हैं उनको रोका जाता है, अस्पताल बनाना चाहते हैं उनको रोकने की कोशिश की जाती है। पिछले 75 साल से इस देश के लोगों को रोका गया, हर कदम पे रोका गया। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग विकास करना चाहते हैं, लोग प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें रोका जाता है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि लोग अब रुकने वाले नहीं हैं, अब लोगों ने ठान लिया है कि वो खड़े हो गए हैं। 2 राज्यों में लोगों ने कट्टर ईमानदार सरकार बना दी है, अब देश तरक्की करेगा।
इस देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इस देश के लोगों में बहुत टैलेंट है, इस देश के लोग तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनको 75 साल से रोका जा रहा है। लेकिन अब लोग रुकने वाले नहीं हैं, अब लोगों ने ठान ली, अब लोग खड़े हो गए हैं। दो राज्यों के अंदर लोगों ने कट्टर ईमानदार सरकार बना दी है। अब ये देश तरक्की करेगा, अब ये देश आगे बढ़ेगा। मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ, सभी ताकतों को कहना चाहता हूँ जो इस देश को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप जो मर्जी कर लीजिए, अब ये देश रुकने वाला नहीं। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में राशन की डोर टू डोर डिलीवरी को लेकर योजना का ऐलान किया था। इस योजना को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार आमने सामने आ गई थी। केंद्र ने इस योजना पर रोक लगा दी थी, यह मामला कोर्ट में भी पहुंचा था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब में डोर टू डोर योजना को लागू कर बड़ा संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।